समाचार में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट का आगाज आज से होने जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद समिट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में विकास की परियोजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई है। पूर्व में निवेश कर चुकी कंपनियों ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदर्शनी में पहुंचेंगे, स्टॉल्स का निरीक्षण करेंगे। देहरादून में इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने समिट पवेलियन का निरीक्षण किया। लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हुए हैं। इस बार 44,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतारे गए हैं। उत्तराखंड को निवेश में बूस्ट मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी इसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर निवेश की बहार लाई जा सके इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और देखिए, दावे भी काफी बड़े बड़े हैं, आकर्षक हैं। पंकज पवार मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर, उत्तराखंड ब्यूरो चीफ। पंकज पवार, आज का दिन बहुत खास और अहम इन मायनों में, क्योंकि दावे सरकार की तरफ से बहुत बड़े बड़े किए गए हैं कि निवेश को लेकर बहुत जो चीजें हैं वो धरातल पर सरकार लाएगी और इसका सीधा असर पहाड़ों पर देखने को मिलेगा। जब निवेश आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इसका आगाज हो चुका है। किस तरीके से इसको देखा जाए? देखिए, सरकार के जो दावे हैं वो काफी हद तक अगर देखा जाए तो सरकार उसे पाने में काफी कामयाब साबित हो रही है। और अभी तक अगर जब 2.5 लाख करोड़ निवेश की जब बात कर रही थी सरकार, तो सब हंस रहे थे कि इतना 2.5 लाख करोड़ के निवेश की बात सरकार कैसे कर सकती है। लेकिन आज की डेट हालात ये है कि हर कोई निवेशक जो है वो उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आतुर है। और सीधे तौर पर अभी तक लगभग 3 लाख करोड़ के लगभग के निवेश जो के MOU हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 45,000 करोड़ के लगभग के निवेश को धरातल पर उतारा जा रहा है। यानी वो लगभग फाइनल स्टेज पे है और उसके बाद वो उनको तमाम चीजें जो सुविधाएं मुहैया कराई जानी है, जिस तरीके से उनको उनकी अगर कहा जाए तो उनकी जो फैक्ट्रियों लगनी है, जो बननी है, वो तमाम चीजें उनके MOU हो जाएंगे। तो आप समझिए कि सरकार बहुत तेजी से इस पर काम कर रही है। और आज क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और सीधे तौर पर उनके द्वारा जो तमाम निवेशकों को भरोसा दिलाया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री धामी द्वारा जो भरोसा दिलाया जाएगा, उससे उत्तराखंड में अगले 10 साल के दरवाजे खुलेंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री को कहते हैं कि अगली सदी जो अगला जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा, तो ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। उनके द्वारा तमाम योजनाएं यहाँ दी गई, तो तमाम लोगों को भरोसा भी दिया गया कि उत्तराखंड में आइए और निवेश कीजिए। उत्तराखंड में आज जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो उनके द्वारा 3 से 4 योजनाओं का वहां पर अवलोकन होगा। एक तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग योजना का जो बन रही है, दूसरी जो एलिफेंट कॉरिडोर जो देहरादून से के मोहंड से होते हुए नीचे दिल्ली तक जा रहा है, पूरा का पूरा जो कॉरिडोर है उसका भी अवलोकन उनके द्वारा पवेलियन में किया जाएगा। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं और है स्वाति जी, जिसमें सीधे तौर पर एक तो जो हिमकुंड साहिब और केदारनाथ का जो रोपवे है जिसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, तो उसका भी पवेलियन के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा देखा जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से, क्योंकि इनके तमाम मॉडल जो है वो बने हुए हैं और मैंने उनको कवर भी किया है। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे योजनाओं के लिहाज से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री आए हैं तो उत्तराखंड को कुछ सौगात भी मिल सकती है। और इसके अलावा जो निवेश की जो सौगात है वो तो अलग बात है, वो तो मिल ही रही है लगातार। और अभी भी लगभग 3 लाख करोड़ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें कई MOU ऐसे भी हैं जो अभी और होने हैं, तो ये लगभग 4 लाख करोड़ तक भी जा सकता है। तो उम्मीद यही है कि ये जो है धरातल पर उतरे। 44,000 करोड़ का निवेश अभी धरातल उतर रहा है और बाकी भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस तमाम चीजों को इन्वेस्टर समिट के बाद जो है, क्योंकि इन्वेस्टर समिट के बाद सरकार के पास और कोई काम नहीं होगा इन तमाम चीजों को धरातल पर उतारने के अलावा। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा अवसर है पंकज। सभी जानते हैं कि देवभूमि के नाम से भी उत्तराखंड जाना जाता है। विश्व के पटल पर उत्तराखंड की एक अलग छवि है। अब पूरी अगर तैयारियों की बात की जाए तो महीनों से इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। एक कहा जाता है कि खास किस्म की एक ब्रांडिंग भी इसको लेकर की जा रही है सरकार की तरफ से।
उत्तराखंड वासी क्या सोचते हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस की अगर बात करें तो विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं, 2018 की बात का भी जिक्र कर रहे हैं, कह रहे 2018 में जिस तरह से एक बड़ा समिट हुआ वो तमाम चीजें सरकार बताए, लेकिन उत्तराखंड एक आम व्यक्ति क्या सोचता है, कितना कनेक्ट कर पा रहा है इससे अपने आप को? जी ठीक है, आम अगर आदमी की बात करें तो आम आदमी को रोजगार चाहिए, उनको उनको प्रदेश की प्रगति चाहिए, और विपक्ष का काम सवाल उठाना है, वो अपना काम कर रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, उनका काम है प्रदेश को विकास के लिए आगे बढ़ाना और रोजगार और तमाम साजो सामान जो प्रदेश के युवा हैं उनके लिए उनको मुहैया कराना, तो ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। और ये जो इन्वेस्टर समिट में अगर 4 लाख करोड़ की हम बात करते हैं तो अगर इसमें से अगर 2 लाख करोड़ भी धरातल पर उतर गया तो आप समझिए कि उत्तराखंड में रोजगार का नक्शा ही बदल जाएगा। जो सरकारी नौकरी की संभावनाएं बेहद कम है उत्तराखंड में, बहुत अब सरकारी पद बचे नहीं है, तो ऐसे में प्राइवेट और स्वरोजगार दो ही चीजें ऐसी बचती हैं जिसमें उत्तराखंड के युवा आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा आपने उत्तराखंड के लोगों की बात कही, उत्तराखंड के लोग बहुत पॉजिटिव वे में इन तमाम चीजों को लेते हैं और उत्तराखंड के लोग बहुत पॉजिटिव हैं, और प्रदेश का विकास हो तो हर कोई इन तमाम चीजों को बहुत पॉजिटिव वे में लेता है। और इसमें अगर जल्द से जल्द ये तमाम चीज धरातल पर होते हैं और प्रदेश में इंडस्ट्री लगे और खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में इंडस्ट्री लगे, अभी तक हरिद्वार देहरादून और उधम सिंह नगर को छोड़कर पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जाने को कोई तैयार नहीं था, लेकिन आज की डेट में जो ज्यादातर जो प्रपोजल मिले हैं उसमें पहाड़ों पर मिले हैं, इसमें विश्वविद्यालय बन रहे हैं, इसमें स्कूल बन रहे हैं, इसके अलावा कई ऐसे प्रपोजल्स हैं जो बहुत उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बहुत बहुत विकास परक साबित हो सकते हैं। बिल्कुल पंकज, इंतजार भी इन तमाम चीजों का रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तराखंड में आए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। आपका बहुत धन्यवाद।